नमस्कार दोस्तों, मैं शांतिलाल पटेल, कास्टिंग डायरेक्टर। दोस्तों, पहले वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियो और रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने हमसे कहा कि सर, इनके बारे में हमें डिटेल में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियो और रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है और इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी आर्टिस्ट कार्ड आपको काम नहीं दिलाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए होता है। अब आप पूछेंगे वो सेफ्टी कैसी सर, तो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी, कोई बड़ा बैनर, जो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसमें किसी सीरियल या फिल्म में काम कर रहे हैं। आपने एक महीने, दो महीने या दो दिन या चार दिन, जितने भी दिन आपने काम किया, 3,000-5,000 पर डे पे, अब किसी कारणवश वो पेमेंट आपका रुक गया है, तो आपने जो आर्टिस्ट कार्ड बनाया है वो आर्टिस्ट कार्ड का यूनियन आपके लिए लड़ेगा। वो ऐसे लड़ेगा कि प्रोडक्शन हाउस के पास जाएगा और बोलेगा कि हमारा ये मेंबर है, आपने इसका पेमेंट नहीं किया है, आप इसका पेमेंट कीजिए। आर्टिस्ट कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए होता है, ना कि काम दिलाने के लिए। जब भी आपको फिल्म लाइन में कोई काम मिलता है, फिर वो सीरियल हो, फिल्म हो या फिर वेब सीरीज हो, तो जब आपको काम मिलता है तो आपका एग्रीमेंट होता है। आप अपना एग्रीमेंट लेके सिंटा के पास जाइए। सिंटा आर्टिस्ट कार्ड का एक एसोसिएशन है, CINTAA, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो सिंटा के पास जब आप अपना एग्रीमेंट लेके जाते हैं, तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे वो आपको वर्क परमिट देता है। वर्क परमिट मतलब कि आप 6 महीने, 1 साल तक उसके थ्रू काम कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने एपिसोड या फिल्म में जिसमें भी आपने काम किया है, आप उनको दिखाइए, आपका परमानेंट कार्ड बन जाता है। लेकिन फिल्म लाइन में आने से पहले अगर आप 2,000, 5,000, 10,000 का कोई आर्टिस्ट कार्ड बना रहे हो, तो ये सही नहीं है। सबसे पहले आप अपनी अच्छी एक्टिंग कीजिए, उसके बाद आप ऑडिशन दीजिए बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में, सीरियल के प्रोडक्शन हाउस है, फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस है, एड के ऑडिशन होते हैं, वेब सीरीज़ के ऑडिशन होते हैं। जब इन जगहों से आपको फ़ोन आए, कोई रोल मिले, फाइनल हो, तब आप आर्टिस्ट कार्ड बनाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको वन डे, टू डे छोटे छोटे रोल मिलते हैं, आप वो करना चाहते हैं, तो आप किसी के थ्रू आर्टिस्ट कार्ड मत बनाइए, आप डायरेक्ट जाइए एसोसिएशन में। फिर वो कोई भी एसोसिएशन हो जिसका आपको कार्ड बनाना है, शिवसेना, मनसे, कंबाइंड, चित्रपट, FCF, काफ़ी यूनियन है बॉम्बे में, आपको जिसका भी कार्ड बनाना है डायरेक्ट आप उसके यूनियन में जाइए। वहाँ पर कोई डिमांड नहीं होती, आपको आपके वैलिड डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वो आर्टिस्ट कार्ड आपको 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 में डायरेक्ट मिल जाते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह की लूटामारी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप एक्टिंग सीखिए, ऑडिशन देना चालू कीजिए, फिर आपको लगता है तो आप सिंटा का कार्ड बनाइए, नहीं तो आप किसी अदर एसोसिएशन का कार्ड बनाइए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए।